हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेवेंथ चैप्टर ऑफ क्लास 5 मैथमेटिक्स, दैट इज परसेंटेज। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। आपका जो परसेंटेज वर्ड है, टू लेटिन वर्ड्स, लेटिन लैंग्वेज की वर्ड से आया है। टू वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने एक परसेंटेज वर्ड निकाला है। फर्स्ट वर्ड जो है वो है पर। पर का मीन्स आउट ऑफ। आउट ऑफ मीन्स कितने में से। सेंटम, सेकेंड वर्ड इज सेंटम। सेंटम मीन्स सेंचुरी। सेंचुरी आपको पता है कितना होता है, 100। तो 100 में से कितना आउट ऑफ, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। नाउ द फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, कि हम फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है 85/100, तो आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 85/100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में 100 है और इधर न्यूमरेटर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है, उसमें 100 है। तो इट मींस एक डिनोमिनेटर का और ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 85 बच गया। तो आपकी कितनी परसेंट आ गई, 85%। एक और अगर हम एग्जांपल देखें, ये दे रखा है 4 3/20। ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 80। 80 में 3 ऐड करा तो हमारा आया 83। तो क्या आ गया आपकी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 83/20। अब इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप 83/20 को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये 100 मेरा ऊपर है और 20 मेरा नीचे, इट मीन्स मुझे 100 को 20 से क्या करना है, डिवाइड। जब आपने 100 को 20 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 5। अब आप जब 83 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 415। तो आपकी कितनी परसेंटेज हो गई, 415%। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 28%, ठीक है, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जा रहे थे तब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से। अब जब हमें परसेंटेज पे फ्रैक्शन पे जाना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, जब आप 28 को 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है, लोएस्ट फॉर्म में। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में सीखा था कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 28 की जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएंगे 2 × 2 × 7, और 100 के आएंगे 2 × 2 × 5 × 5। एक ये 2 कॉमन और एक ये 2 कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 2 × 2, दैट इज 4। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो जब आप 28 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 की टेबल में 28 आएगा 7 पर। देन आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 7/25। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना है। पहले ये मैं 10th पार्ट बता रही हूँ, आप इसको पहले 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60 + 2 = 62। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 62 आपका न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर आपका 5 ही रहेगा। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर में चेंज किया। नाउ परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। आपने जब 100 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 20। फिर आपने जब 62 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 1240। तो कितना परसेंटेज हो गया, 1240। नाउ अगर हम 11th पार्ट देखें, 9/10 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। इसमें 10 है, इसमें 20 है, तो 10 से 10 कैंसिल। फिर आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 90। तो कितना परसेंट हो गया, 90%। सिमिलरली 12th पार्ट है 4/4, तो 4/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 और 4 आपका दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 × 4 = 4। फिर आपने जब 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 100। तो कितना परसेंट हो गया, 100%। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करना है तो फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना है, 100 से। 10 से 10 कैंसिल हो गई, 5 और 10 बच गए। 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 × 5, और 10 कहाँ पे आता है, 5 × 10। तो कितना आ गया इसका फ्रैक्शन, 1/2।
नाउ नाइन्थ पार्ट देखें, 66%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 66/100। तो अगर आप देखें कि दोनों इवन नंबर्स हैं तो दोनों के दोनों आपके 2 की टेबल में तो आएंगे ही, तो मैंने पहले इनको 2 से डिवाइड करा, तो 66 को 2 से किया तो आपका आंसर आया 33, देन 100 को 2 से किया तो आपका आंसर आया 50। अब 33 और 50 दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं जाएंगे, 33 3 में जाएगा बट 50 3 में नहीं जाएगा, 33 11 में जाएगा बट 50 11 में नहीं जाएगा, और 33 33 में आता है और 50 33 के टेबल में नहीं आता, तो हमारा ये लोएस्ट फॉर्म हो गया। तो इसका आंसर आ गया आपका 33/50। नाउ नेक्स्ट इज 80%। 80% की फ्रैक्शन हो गई आपकी 80/100। 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, आपको देखेंगे अगर हम 8 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 8 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे एंड 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 4, और जब हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 5। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो गई, 4/5। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। कब हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला है आपका 0.058। दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड है कि पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लें। जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, जो है ऊपर डेसिमल हटा के 1 के साथ उतने जीरोज हमें लगाने होते हैं जितने डेसिमल के बाद आपके प्लेसेस हो। अब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 58 के नीचे मैंने 1 के साथ 3 जीरोज लगा दिए, तो आपका डेसिमल जब फ्रैक्शन में चेंज हुआ तो क्या आया, 58/1000। अब फ्रैक्शन को तो परसेंटेज में चेंज करना आपको आता ही है, कैसे करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज, 100 से मल्टीप्लाई करके। 2 जीरोज से 2 जीरोज यहाँ कैंसिल, क्या आ गया, 58/10%। अभी आपकी जो फ्रैक्शन आई है फ्रैक्शन में आई है आपकी परसेंटेज, तो आप अपनी फ्रैक्शन की परसेंटेज को डेसिमल की परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब 1 के बाद वहाँ पे 10 है, तो सिर्फ 1 प्लेस से पहले आप क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो आपकी डेसिमल में परसेंटेज आ गई 5.8%। और जो सेकेंड मेथड ये है कि आप 0.058 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कितना शिफ्ट करेंगे, 2 जीरोज है तो 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे 1, 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 5.8%। तो चाहे आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, दोनों ही मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, 5.8%। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल। अभी हमने सीखा कि हम डेसिमल को कैसे परसेंट में चेंज करते हैं, अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज को हमने डेसिमल्स में कैसे चेंज करना है। उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला है आपका 8.5%। तो आपका मेथड 1 क्या होगा कि पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, जो हम सीख चुके हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे जो परसेंटेज थी वो दे रखी थी 8.5। पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ गई, 85/10%। तो परसेंटेज ये आ गई। अब आपको जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो आप 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमने नीचे डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको नीचे डिवाइड किया तो 110 का क्या होता है आपका, 1000। अब ये आपकी आ गई फ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट्स तो यही है तो 3rd डिजिट के लिए मैं क्या लिखूंगी, अपने आप 0। उसके पहले आपने पॉइंट लगाया, देन उससे पहले आप लिखेंगे 0, तो आपका डेसिमल नंबर आ गया 0.085। नाउ जो सेकेंड मेथड है, हमने पहले वाले मेथड में देखा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो जब हम डिवाइड करते हैं 10 के मल्टीपल से तो हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। हमारा डेसिमल यहाँ है, 2 जीरोज हैं, 2 पॉइंट्स लेफ्ट की तरफ, 1, 2, मतलब इससे पहले मुझे एक नंबर और लिखना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से जब हम डेसिमल में नंबर लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 0, तो आपका नंबर बनेगा 0.085। इससे भी आपका आंसर आया 0.085 और इससे भी आपका आंसर आया 0.085। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.2, कन्वर्ट डेसिमल्स टू परसेंटेज। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाए उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है।
फर्स्ट एट्थ पार्ट इसका हम देखेंगे 0.203, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 203 अपॉन में 1 के साथ कितने जीरोस लगाएंगे, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1000। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, क्या रह गया 203/10, 10 है तो इट मींस 1 प्लेस से पहले डेसिमल प्लेस लग जाएगा, दैट इज 20.3%। तो 0.023% में क्या आ गया 20.3। नाउ अगर इसका नाइन्थ पार्ट देखें, दैट इज 1.148 को आप कैसे लिखेंगे, 1148, पॉइंट के पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे 1000 लगा दिया, तो डेसिमल आपका फ्रैक्शन में चेंज। अब फ्रैक्शन आपकी परसेंटेज में चेंज करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, आपका आ गया 1148/10, 1 के साथ 10 है तो 1 प्लेस से पहले आपका क्या लगेगा डेसिमल, तो आपकी डेसिमल लगने के बाद क्या आया 1148%। नेक्स्ट इज कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझाया था कि हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेक करते हैं। हम एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये है 6.12, तो 6.12 डेसिमल में आपकी परसेंटेज है, तो डेसिमल की परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन की परसेंटेज में चेंज करा, पॉइंट हटाया, नीचे 20 आएंगी बिकॉज डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो फ्रैक्शन में जो परसेंटेज आ रही है वो आपकी आ रही है 612/100%। अब जब आप डेसिमल में चेंज करते हैं परसेंटेज को, तो आप क्या कर फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में चेंज डेसिमल में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो 612 को जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 × 100 आपका हो गया 10,000। अब आपने 612 को 10,000 से डिवाइड करना है, 4 जीरोज है और ऊपर है आपकी 3, तो आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप इससे पहले क्या लगा देंगे 0, तो आपका नंबर बनेगा डेसिमल में 0.0612, तो आपका डेसिमल नंबर आ गया 0.0612। सिमिलरली 9.54 में पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, या कि आपकी 954/100%, फिर डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, आपका जो फ्रैक्शन आया वो आया 954/10,000, 4 जीरोज हैं, ऊपर 3 डिजिट्स हैं, तो एक डिजिट मैं अपनी आप लगाऊंगी, दैट इज 0, तो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा 0.094954। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।